नमस्ते साथियों, मेरा नाम डॉक्टर अमित भूषण शर्मा है। मैं एपेक्स हॉस्पिटल मानसरोवर में कंसल्टेंट हूँ और मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट डायबिटीज़ है। आज के समय में डायबिटीज़ हमारे देश क्या पूरी दुनिया के अंदर अगर हम बोलें तो एक महामारी के रूप में फैल रही है। ये सबसे ज़्यादा तेज़ बढ़ने वाली बीमारी है और इसका मुख्य कारण हमारी दिनचर्या है या हम बोलेंगे हमारी लाइफस्टाइल है। तो जैसा कहते हैं कि किसी बीमारी से बचाव ही उसका सबसे बढ़िया उपाय है, क्योंकि ये लाइफ टाइम डिजीज़ है, इसका कंप्लीट क्योर संभव नहीं है। हालांकि इसको इलाज के द्वारा मैनेज किया जा सकता है। तो हम अगर इससे बचना चाहते हैं तो हमको हमारी लाइफस्टाइल के अंदर किसी तरह के परिवर्तन लाने पड़ेंगे, जिसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के जो पिलर बोलेंगे या कंपोनेंट हैं, मेन कंपोनेंट है हमारा डाइटरी मैनेजमेंट। हमें ऐसी चीज़ों को अपने खानपान के अंदर शामिल करना चाहिए जिसके अंदर सिंपलर कार्बोहाइड्रेट ना हो, क्योंकि जो साधारण शुगर होती है वो खून के अंदर तेज़ी से जाती है, खून में तेज़ी से घुलती है, जिससे बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर पाती और शुगर का लेवल ऐसे मरीजों के अंदर या ऐसे लोगों के अंदर लॉन्ग टर्म में बढ़ने लगता है। दूसरा पार्ट इसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी है। आज के टाइम में जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी हैबिट्स है, लोग शारीरिक काम कम से कम करते हैं, एक से दूसरी जगह जो कि नज़दीक है वहाँ पर जाने के लिए भी व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हमको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, फिजिकली हमको एक्टिव रहना चाहिए। दिनचर्या में हमको कुछ कसरत, कुछ मिनट के लिए, कम से कम 30 मिनट के लिए व्यायाम को हमें शामिल करना चाहिए। एक रोल एडिक्शन का भी होता है। स्मोकिंग और अल्कोहल के बढ़ता हुआ क्रेज़ आज हम देख रहे हैं वर्तमान में, तो हमें इसको भी, इसका मॉडरेशन करना चाहिए, इसको कम करना चाहिए या इसको बंद करना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेस, लाइफस्टाइल स्ट्रेस से भी जुड़ी हुई है। आज वर्क प्रेशर है सबके ऊपर, टारगेट प्रेशर है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, तो स्ट्रेस भी डायबिटीज़ को जल्दी लाने के अंदर जिम्मेदार है। तो ये सब चीज़ें अगर हम लाइफस्टाइल को अपने मॉडिफाई करेंगे तो हो सकता है कि ये बीमारी अगर हमको होने वाली हो तो हम इसको कुछ समय के लिए डिले कर देंगे।